हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे भाई कि भोपाल में कहाँ पे डांस क्लास अच्छा मिलेगा, कहाँ डांस टीचर अच्छा मिलेगा। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ ऐसे डांस स्टूडियो में जहाँ पे आप डांस सीख सकते हैं। और इसका एड्रेस मैं आपको बता दूँ, यहाँ लैंडमार्क है पुलिस पेट्रोल पम्प और करुणाधाम मंदिर के एकदम सामने आपको मिल जाएगा VT डांस स्टूडियो। तो आप यहां पे आ सकते हैं और डांस सीख सकते हैं। मैं अभी चलता हूं ऊपर की तरफ क्योंकि इनका स्टूडियो जो है ऊपर 3rd फ्लोर पे है, शायद यहां से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अभी ऊपर चल के दिखाता हूं। और टीचर से बात करते हैं जो कि यहां के टीचर हैं, कैटी सर, कपिल ठाकुर, उनसे बात करते हैं कौन कौन से कैटेगरीज में वो डांस सिखाते हैं। तो आपको पूरा आइडिया इस वीडियो में मिल जाने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके मत चले जाना। करने वाले हैं ऋषिका ठाकुर जो कि विटी डांस स्टूडियो की फैकल्टी हैं, और वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे आप क्या सिखाती हैं। मैं यहाँ पे कथक और सेमी क्लासिकल सिखाती हूँ। कथक में मैं कथक के बेसिक, तत्कार, हस्त मुद्राएं जो बेसिक बच्चे कर लेते हैं वो, और सेमी क्लासिकल यानी बॉलीवुड क्लासिकल, बॉलीवुड गानों पर क्लासिकल वो सिखाती हूँ। स्टूडेंट हो, आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे क्या क्या सीखते हो? सर, मेरा नाम सुष्मी वर्मा है और मैं यहाँ पे 1 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, और सर ने मेरे को ट्रेन किया है 1 साल से, और मेरे को यहाँ पे काफ़ी वेरियस डांस फॉर्म उन्होंने भी सिखाया है, लाइक हिप हॉप, कंटेम्प, एंड वो स्टंट्स भी सिखाते हैं। और आपको कोई रियलिटी शोज वगैरह में चांस मिला है यहाँ के थ्रू? और मैंने बहुत सारी क्लासेस करने की कोशिश करी, ज्वाइन करी, बट दिस इज द बेस्ट। थैंक यू। आने वाला हूँ VT डांस स्टूडियो के फाउंडर एंड कोरियोग्राफर मिस्टर कपिल ठाकुर से, जिन्हें डांसिंग स्टेज पर बुलाया जाता है कैटी सर के नाम से। और सर हमें बताएंगे कि आप कब से डांस क्लास चला रहे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और आपके स्टूडेंट किस लेवल के हैं, मतलब कितना कर सकते हैं, कितना जुनून है, और आपने उन्हें क्या क्या सिखाया है। नमस्ते सभी मेरे भाई लोगों को जो मेरा वीडियो बना रहे हैं, उनको भी और दर्शकों को भी, और लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं उन सभी को। और मेरा एक्सपीरियंस सर आया कि मैं कम से कम, मेरे को डांस करते करते 20 साल हो चुका है, और कम से कम 12 से 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सिखाने का। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट जो 10 साल से सीख रहे हैं वो भी हैं, वो अब मेरे साथ में असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स का काम कर रहे हैं। और बाकी मैं एक एडवांस लेवल पे भी ट्रेनिंग देता हूँ, बेसिक लेवल पे भी ट्रेनिंग देता हूँ। हमारे इधर एन नंबर्स ऑफ डांस स्टाइल्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उनको पर्सनली या फिर एक ग्रुप में या फिर एक हमारे बैच में सबको बिल्कुल अच्छे से ट्रेंड करते हैं, और सभी को उनके मन मुताबिक डांस सिखाते हैं, एडवांस लेवल का और बेसिक लेवल का जी। और आप डांस, जो आपका स्टूडियो है डांस स्टूडियो, उसके अलावा आप कहीं और भी वर्क करते हैं क्या? जी बिल्कुल, मेरा दूसरा वर्क फिटनेस इंस्ट्रक्टर का है,
तो आई एम इंस्ट्रक्टर ऑफ टी टी नगर स्टेडियम एंड साई नेशनल स्टेडियम। तो मैं ये दो जगह अभी फिटनेस ट्रेनिंग देता हूँ और मेरे स्टूडियो में भी है एरोबिक, जुम्बा और डांसिंग फिटनेस। मैं सभी को सिखाता हूँ और सर्टिफाइड भी देता हूँ, मैं तो सर्टिफिकेट भी देता हूँ मेरे खुद का बीजिट का। और मैं जो मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेता हूँ उनको भी सिखाता हूँ, मतलब अच्छे एडवांस लेवल पर। अलग अलग प्रकार की फिटनेस ट्रेनिंग्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं। और मैं टी टी नगर स्टेडियम में 10 से 15 हज़ार बच्चों को भी सिखाता हूँ हर साल, और काफ़ी कॉलेज स्कूलों में भी सिखाता हूँ। तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। अभी मेरी सेकंड फील्ड यही है फिटनेस को लेके, कि डांस के थ्रू आप कैसे फिट हो सकते हैं। तो वो हम लोग फंक्शन कोरियोग्राफ करते हैं, और फिर वुमेंस किड्स किट फिटनेस भी है, और सभी लोगों के लिए टीनेजर्स को भी सिखाते हैं कि आप कैसे फिट रहें डांस के थ्रू। तो सर आप फीस क्यूरीज बता पाएंगे व्यूअर्स को, कितना क्या रहता है चार्ज यहाँ का? चार्ज यहाँ पर है 1000, बहुत मिनिमम है यहाँ, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत मिनिमम है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और 6 डे क्लास रहती है हमारी, संडे ऑफ, और संडे भी हम बुला लेते हैं शूट्स के लिए। हमें अगर क्या होता है, जो भी बच्चे डांस स्टाइल सीखते हैं या डांस पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, जो भी अच्छा डांस करता है, उनके साथ वीडियो शूट करते हैं संडे को। तो हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, और रजिस्ट्रेशन हमारा मात्र 200 है, और वो भी एक बार देना है लाइफ में, फिर कभी भी आप आएंगे तो बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी एंट्री हो जाएगी। और हमारे 5-6 इंस्ट्रक्टर हैं, शांतनु है, हमारी ऋषिका है, और विजय है, ऋतु है, और मैं भी हूँ, मैं सीनियर कोरियोग्राफर हूँ। बाकी लोग सब लोग अलग अलग स्टाइल्स के, अलग अलग फैकल्टीज हैं, अजय है, ईशान है। तो अभी तो मेरे 5-6 मतलब मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, तो ये लोग सब अलग अलग डांस स्टाइल की ट्रेनिंग देते हैं। तो सर किस टाइप के फॉर्म्स आप सिखा सकते हैं हमें, कोई आए हमारे यहाँ से व्यूअर्स वगैरह? अंडरग्राउंड डांसिंग वाले भी हम लोग डांस फॉर्म सिखाते हैं, और कमर्शियल वाले भी सिखाते हैं। कमर्शियल में क्लासिकल आ जाता है, हम प्रोफेशनल लेवल पर भी सिखा रहे हैं, और सेमी क्लासिकल भी सिखाते हैं। और अंडरग्राउंड में क्रम्प हो जाता है, पॉपिंग हो जाती है, लॉकिंग हो जाती है, वैकिंग हो जाती है, और ब्रेकिंग, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग इनके बैचेस होते हैं, और अलग अलग तरीके की क्लास लगती है। सर आपने हमें यहाँ आपकी क्लास की सभी बातें बता दी हैं लगभग, तो आप कुछ और भी कहना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स को? मैं बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि कहीं भी डांस सीखिए, बिल्कुल मन लगा के सीखिए, और अपनी जो नेगेटिविटी है ना वो क्लास में मत लाएं, सब चीज़ें बाहर छोड़ के आएँ और अच्छे से डांस करें, और सबसे सीखें, जो छोटे लेवल का है उससे भी, एडवांस लेवल का उससे भी, लेकिन अपनी नेगेटिविटी जो होती है ना वो बाहर निकाल के आएँ। और क्लास में वही जाएँ जहाँ पर लगे कि हाँ भाई यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रक्टर हैं, अलग अलग तरीके के लोग सिखाते हैं। अगर जो एक बंदा आपको पूरी स्टाइल सिखा रहा है वो मतलब फेक हो गया, वैसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो आप ऐसी अकेडमी ज्वाइन करें जहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रक्टर हो, अलग अलग टीचर हो, अलग अलग स्टाइल्स के। और मैं जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू लोकेश, जो आपने अपने यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को ये मेरा जो करियर है पूरा, मेरी जो जर्नी है और मेरी क्लास के बारे में बताया, तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको और आपके सब्सक्राइबर्स को। तो भाई सब लोग इनको लाइक कर दें अच्छे तरीके से, और इनको मिलियन और ट्रिलियन चले जाए तो हम भी बहुत खुश होंगे। जी बहुत थैंक यू।